Assalamu alaikum, dear students and respected parents. As you know, due to the current circumstances, we have taken this initiative of taking online classes. Applications of total internal reflection. पहला एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में है। बहुत से ऑप्टिकल आलात रोशनी की रे को 90 डिग्री और 180 डिग्री के बराबर रिफ्लेक्ट करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए राइट एंगल्ड प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं, मसलन कैमरा, बाइनोकुलर्स, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप। राइट एंगल्ड प्रिज्म का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जब रे प्रिज्म की सतह से अमूदन टकराती है तो ये बगैर मुड़े प्रिज्म के अंदर दाखिल हो जाती है और उसके साथ 45 डिग्री के एंगल पर टकराती है, जैसा कि फिगर 12.10 में दिखाया गया है। चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री के बराबर है, जो कि ग्लास के क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से ज़्यादा है, लिहाजा प्रिज्म रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह के दो प्रिज्म पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है, जैसा कि फिगर 12.10 में दिखाया गया है। फिगर के मुताबिक रेज प्रिज्म के जरिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 180 डिग्री के बराबर रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह की दो प्रिज्म बाइनोकुलर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि फिगर 12.13 में दिखाया गया है। और सेकंड एप्लीकेशंस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। फाइबर ऑप्टिक्स के टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में कई फ़ायदे हैं। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अमल का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स में बाल की मोटाई के बराबर ग्लास या प्लास्टिक की रेशे इस्तेमाल होती है, जिनमें से रोशनी सफ़र करती है, जैसा कि फिगर 12.14 में दिखाया गया है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदरूनी हिस्से को कोर कहते हैं, जबकि बैरूनी हिस्से, जो कि शेल के शक्ल में है, क्लैडिंग कहलाता है। कोर निस्बतन ज़्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है। क्लैडिंग निस्बतन कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है। कोर के एक किनारे से दाखिल होने वाली रोशनी कोर और क्लैडिंग को मिलाने वाले लाइन पर क्रिटिकल एंगल से बड़े इंसिडेंट एंगल पर टकराती है, इसलिए ये रोशनी टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन के जरिए कोर में वापस लौट आती है, जैसा कि फिगर 12.14 में दिखाया गया है। इस तरह से रोशनी बहुत कम एनर्जी ज़ाया करते हुए कई किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोन और जदीद टेलीकम्युनिकेशन के आलात में इस्तेमाल होते हैं। अब हम एक ही वक्त में बगैर किसी रुकावट के हज़ारों फ़ोन कॉल्स सुन सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन लाइट पाइप में है। लाइट पाइप हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल पर मुश्तमिल होता है। इसको डॉक्टर या इंजीनियर ज़ाहरी तौर पर नज़र ना आने वाली मकामात को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन लाइट पाइप से डॉक्टर इंसानी जिस्म के किसी अंदरूनी हिस्से का मुआयना कर सकते हैं। इसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक इमेजेस को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फिगर 12.15 में दिखाया गया है। और फोर्थ एप्लीकेशन एंडोस्कोप। एंडोस्कोप एक मेडिकल आला है जिसको जिस्म के अंदरूनी अज़ा का मुआयना करने के लिए और सर्जिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे साइज की वजह से इसको मुंह के अंदर दाखिल करके सर्जरी से बचा जा सकता है। मसलन मैदा, मसाना और गली के मुआयने के लिए जो एंडोस्कोप इस्तेमाल होती है, इनको बिलतरतीब गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप कहा जाता है। एंडोस्कोप एक पाइप है जिसके अंदर दो फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स इस्तेमाल होते हैं। किसी भी एंडोस्कोप को इस्तेमाल करने का मेडिकल तरीक़ाकार एंडोस्कोपी कहलाता है। एंडोस्कोप की एक ट्यूब से रोशनी दाखिल होती है और मरीज के अज़ा जिनका मुआयना करना दरकार हो से टकराकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए दूसरी ट्यूब से बाहर आ जाती है और डॉक्टर के कैमरे या लेंस से टकराती है, जैसा कि फिगर 12.6 में दिखाया गया है, 12.16। एंडोस्कोप के दूसरे किनारे पर एक कैमरा लगा होता है। डॉक्टर के कैमरे से रिकॉर्ड शुदा मंजर को कंप्यूटर की स्क्रीन के जरिए अच्छी तरह देख सकते हैं और मुतासर आज़ा के बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन इन रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म शीशे का एक शिफाफ जिस्म होता है जिसकी तीन सतह रेक्टेंगुलर और दो सतह ट्रायंगुलर होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म की सूरत में खारिज होने वाली या इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती, जैसा कि फिगर 12.17 में दिखाया गया है। यह रे प्रिज्म के जरिए अपने असल रास्ते से हट जाती है। इंसिडेंट रे पी ई नुक्ता ई पर इंसिडेंट एंगल आई बनाते हुए नॉर्मल की तरफ
ई एफ के साथ रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे ई एफ प्रिज्म के अंदर एंगल आर बनाती हुई प्रिज्म की दूसरे रुख की तरफ चली जाती है। ये रे प्रिज्म से नुक्ता एफ पर एंगल ई बनाती हुई बाहर निकल जाती है, लिहाजा इमर्जेंट रे एफ एस इंसिडेंट रे पी ई की पैरेलल नहीं है बल्कि एंगल डी के बराबर मुड़ जाती है। एंगल डी को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं।